आज जो है हम बात करेंगे स्ट्रिंग डाटा टाइप्स की। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्ट्रिंग डाटा टाइप्स को लिखा कैसे जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि मुख्तलिफ स्ट्रिंग्स को अगर हम अपने आपस में जोड़ना चाहते हैं, यानी स्ट्रिंग की कंकैटिनेशन कराना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए उसके लिए, एस्केप सीक्वेंस क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, क्या यूज केसेस हैं इसके, वो देखेंगे। और डाटा टाइप्स की कन्वर्जर देखेंगे कि अगर हमने किसी नंबर को स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग को नंबर में, बूल में, किसी और डाटा टाइप में चेंज करना है, तो पाइथन हमें उसके लिए टाइप कन्वर्जन के लिए कौन सी चीजें देता है, कैसे करते हैं उसको, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग क्या होती है और स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग कैसे होती है। और जब इंडेक्सिंग देखेंगे तो डेफिनेटली हम उसकी स्लाइसिंग भी करके देखेंगे कि मतलब स्ट्रिंग की स्लाइसिंग किस तरह से होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वे जो होता है किसी भी स्ट्रिंग को लिखने का, पाइथन के अंदर हम सिंगल कोट्स के अंदर किसी भी स्ट्रिंग को लिख सकते हैं। जैसे हमने नेम वन इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम सिंगल कोट डालते हैं और कोई भी नाम कुछ मेंशन करते हैं, तो जो भी होगा कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है यहाँ पे, जैसे समथिंग इसको मैंने लिखा है, तो ये सिंगल कोट्स के अंदर लिखे एंड इट्स ओके फाइन, इसको एरर नहीं है। इट मींस कि हम इसको सिंगल कोट के अंदर स्ट्रिंग को लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम कुछ और लिखते हैं, समथिंग एल्स, और ये हम डबल कोट्स के अंदर इस तरह से भी हम लिख सकते हैं डबल कोट्स के अंदर। थर्ड वन, यहाँ पे बात लिखी हुई है कि जनाब हम ट्रिपल कोट्स में यूज कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर ट्रिपल कोट्स की हमें जरूरत क्यों पड़ी है। यहाँ पे देखिए नेम टू पे यहाँ एक स्ट्रिंग लिखी हुई है समथिंग एल्स। मैं चाहती हूँ समथिंग मेरा इस लाइन पे आए, लेकिन एल्स को सपोज मैं अगली लाइन पे लेके जाना चाहती हूँ, और जहाँ से हम एंटर प्रेस करते हैं जनाब, और ये हमारे पास एक एरर आ चुका है। इसको रीड करते हैं एरर को, स्ट्रिंग लिटरल इज अनटर्मिनेटेड। उसने कहा कि वो कहने का मतलब इसका ये है कि ये टर्मिनेट नहीं हुआ समथिंग, यानी वो ये एक्सपेक्ट करा है इसी लाइन पे इस कोर्स का एंड हो, क्या? तो यहाँ पे वो जो है स्ट्रिंग लिटरल इज अनटर्मिनेटेड का मतलब ये है कि आपने स्टार्ट तो किया, स्ट्रिंग लिखी है उसके अंदर, उसका एंड ही नहीं किया आपने, वो अगली लाइन पे जा ही नहीं रहा, ठीक है। उसको उससे कोई मतलब नहीं है कि हमारी अगली लाइन पे क्या लिखा होगा, वो ये एक्सपेक्ट करता है कि इसी लाइन पे ये कम्प्लीट होगा, ठीक है। तो ये रीजन ये है कि हम अगर ये सिंगल कोट्स पे करना चाहें तब भी हमें यही एरर फेस करना पड़ेगा। ये देखिए मैं अगली लाइन पे गई तो यही एरर हमें स्ट्रिंग लिटरल इज अनटर्मिनेटेड। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, अगर हम सिंगल कोट या डबल कोट यूज करते हैं तो स्ट्रिंग को अगली लाइन पे नहीं लेके जा सकते। तो अगर हमें इस तरह की जरूरत हो तो फिर क्या करें, तो जनाब फिर हमारे लिए है ये ट्रिपल कोट्स। अगर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं ये, हम इसको एल्स को मैं यहाँ प्रिंट कराना चाहूँ, यहाँ प्रिंट कराना चाहूँ, कहीं पे भी, ये बिल्कुल जहां पे भी आप यहाँ पे दिखाना चाहेंगे ना, कोई चाहे कोई पैटर्न बनाना चाह रहे हैं, कोई पोइम लिखना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, एज इट इज आपको ये प्रिंट हुआ हुआ नजर आएगा, ठीक है। अब नेम वन टू और नेम थ्री को आप देखिएगा यहाँ पे प्रिंट होंगे, तो लेट्स सी कि हमारे पास ये कैसे नजर आते हैं, ठीक है। इसको समथिंग समथिंग एल्स और समथिंग एल्स, ये समथिंग और एल्स, ये देखिए एज इट इज। अगर मैं नाम ऐसा करती हूँ और क्लैरिटी के लिए, नम वन और नम टू को हटा के सिर्फ नम थ्री को हम जो है ना प्रिंट कराते हैं, यहाँ पे समथिंग और ये एल्स डिस्टेंस देखिए बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह से हमने लिखा था। अगर आप चाहें तो इसको और भी बढ़ा सकते हैं, कुछ और यहाँ पे मैंशन करते हैं और उसको आप अगली लाइन पे लेके जाएं, तो दोबारा इसको अगर हम रन कराते हैं तो ये हमें नेक्स्ट लाइन पे इस तरीके से नजर आएगा। तो हमें ये प्रूफ हुआ कि हम जब ट्रिपल कोट यूज करते हैं तो हम जो भी पैटर्न देना चाहें हम उसको दे सकते हैं, वो एज इट इज उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई, ये सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और फिर ट्रिपल कोट्स की जरूरत क्यों पड़ी और उसको हमने यूज कैसे करना है। अब आते हैं कि हमने कंकेटिनेशन अगर करानी है टेक्स्ट की, मतलब दो टेक्स्ट जोड़ने हैं, जैसे हम कह देते हैं कि इसी नेम को ले लेते हैं, ठीक है, फौजिया, और उसके बाद इसके साथ कुछ और जो है ना एक स्ट्रिंग है हेलो माय नेम इज, और ये इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे जोड़ना चाह रही हूँ। तो ये आप प्लस का साइन देख रहे हैं, ये मेरी एक स्ट्रिंग है हेलो माय नेम इज, ये सिंगल कोट्स में लिखी हुई है। अब मुझे इसको वेरिएबल को साथ जोड़ना था, ठीक है। तो उसके लिए क्या यूज किया है,
प्लस का साइन डाला है और फिर उसके बाद वेरिएबल का नाम लिख दिया। इट डजंट मैटर कि अगर अब जरूरी नहीं कि वेरिएबल हो तो तभी हम इस तरह से करें। अगर हमें इस तरह से करना है कि कोई भी ऑड स्ट्रिंग जो है वेरिएबल नहीं है, वैसे ही कोई स्ट्रिंग है, तो उसको अगर मैं ऐसा मेंशन करना चाह रही हूँ तो तब भी जो है हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस स्ट्रिंग को इस स्ट्रिंग के साथ माई नेम इज और उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद कुछ और हो या बेशक ना भी हो, यानी जब भी जोड़ना है ये एक स्ट्रिंग ये दूसरी स्ट्रिंग, इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ने को कहते हैं कंकैटिनेशन। वर्ड बहुत बड़ा सा है लेकिन मतलब बिल्कुल सिंपल सा है कि दोनों स्ट्रिंग्स को जोड़ना है। तो जनाब आप प्लस का साइन लगा देंगे बीच में और उसके बाद जो है कंकैटिनेशन हो जाएगी स्ट्रिंग की। अब हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं तो हमें ये देखिए एक लाइन के ऊपर जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल होता तब भी हमें इसी तरह से नजर आ रहा है। जब भी स्ट्रिंग्स को हमने जोड़ना है आपस में तो हमने क्या यूज करना है, हमें यूज करना होता है जनाब प्लस का साइन। अगर इस दोनों स्ट्रिंग के बीच में मुझे कुछ करना होता है, जैसे सपोज स्पेस ही देनी होती है, ठीक है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग और इसके बीच में एक स्पेस डाल देते, तब ये प्लस, ये वाला प्लस का क्या करेगा, इस स्ट्रिंग के साथ ये जो एम्प्टी स्ट्रिंग है ना इसके साथ इन दोनों को आपस में जोड़ेगा और ये प्लस यानी इस एम्प्टी स्ट्रिंग को इसको आपस में जोड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह से हर पहली स्ट्रिंग और दूसरी स्ट्रिंग के बीच में हमें प्लस का साइन डालना होता है तो ये इसको कंकेटिनेट कर देती है। ठीक है, आई होप कि ये चीज क्लियर होगी आपको। अब दूसरा, अगर हमें चाहते हैं कि डाटा टाइप चेंज करने, कुछ हमारे पास जैसे हम कह देते हैं कि num इज इक्वल टू 100, ठीक है, अब ये 100 नंबर में है, इसकी टाइप अगर हम चेक करना चाहें तो मैं इसको ऐसा करती हूँ कि प्रिंट कराती हूँ और उसके बाद यहाँ इसकी टाइप चेक करने के लिए हमारे पास टाइप का जो है बिल्डिंग फंक्शन होते हैं, हम उसके अंदर इस नम को डाल देंगे ना तो ये हमें प्रिंट करा देगा कि इसको टाइप ऑफ नम। ठीक है, टाइप ऑफ नम चूंकि 100 है हमें पता ही इंटीजर टाइप होना चाहिए। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं और ये देखिए क्लास कौन सी है, इंटीजर की क्लास का नाम। अब अगर ये चाहते हैं हम कि इसको मैं सपोज स्ट्रिंग बनाना है तो तब उस केस में हमें क्या करना होगा, बहुत डिफिकल्ट चीज बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसको स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं तो स्ट्रिंग की क्लास कौन सी होती है, str। तो जस्ट आपने क्या करना है, str मेंशन करना है, str का फंक्शन, और उसके अंदर इसको रैप कर देना है। तो अब जो है हमारा ये टाइप जो है नम जो था वो str बन जाएगा, एज सिंपल एज इट इज। ठीक है, इस तरीके से आपने ये नहीं करना, क्या होता है हमने कि हम किसी भी इसको चेंज करने के लिए उसके अंदर एनक्लोज कर देते हैं तो हमारे पास चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब आप चाहें तो इसका टाइप नम और इसके बाद ये दूसरा नम टाइप जो चेंज हुआ है इसको देख सकते हैं। और अब भी आपको यहाँ पे मे बी मुख्तलिफ चीज़ें मिक्स हुई हैं तो आपको क्लियर ना हो रहा हो, तो ऐसा करती हूँ कि मैं नीचे एक और नम को जो है दोबारा से मैंशन करती हूँ, नम 200 है। ठीक है, अब हम इसकी टाइप जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं और हम क्या करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं इसको str में करना। ठीक है, हमारे सामने 200 नंबर लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो ये नंबर है, ये प्रिंट का मैंने फंक्शन डाला। अब इसके अंदर जो है मैंने कहा कि इसको मुझे str में करना है तो मैंने str का फंक्शन डाला और उसके अंदर नम डाल दिया। ठीक है, और जस्ट देखते हैं, आपने इस पे नजर रखनी है, इसको इग्नोर करना है, इसको बल्कि ऐसा करते हैं हटा देते हैं, इसको भी रिमूव कर देते हैं। जस्ट ये 200 नंबर है हमारे पास, ठीक है, इसकी हम चाह रहे हैं कि डाटा टाइप चेंज करें। ठीक है, str करना चाह रहे हैं इसको और फिर हम इसको नंबर को देखेंगे कि उसकी टाइप चेंज होती है या नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया अब 200। अब आप देखने में तो आपको बिल्कुल नहीं लग रहा होगा कि इसकी डेटा टाइप कौन सी है या कौन सी नहीं है, आप इसको प्रिंट करा के देखिएगा। ठीक है, और इसकी टाइप चेक कीजिए, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। ठीक है, इस नाम को जब आपने यहाँ पे str कर दिया तो उसके बाद जो है आप इसको चेंज करके फिर देखिएगा। जैसे अगर यहाँ होल नंबर है इसको अगर फ्लोट में करना चाहें तब भी हम कर सकते हैं, इंट में तो ऑलरेडी ये था, अब हम इनको प्रिंट करा के देखते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। जब हमने इस यहाँ पे फ्लोट में किया नम को तो क्या आया हमारे पास, 200.0, यानी फ्लोट पे उसने जो है हमें बताया कि जी मैंने इसको किस में चेंज कर दिया है, कि मैंने इसको चेंज कर दिए हैं फ्लोट में, फ्लोटिंग नंबर यानी होल नंबर नहीं होंगे। अब यहाँ पे str और अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं और देखते हैं कि हमारे पास लास्ट में ये क्या आता है। तो नाम हमारे पास यहाँ पे str में हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास str में हो चुके हैं। अब जो है आप यहाँ पे खुद ही इसकी टाइप डाल के ना
ये हमने जब टाइप चेक करनी हो तो हमें जस्ट ये पैरेंथेसिस डालनी है और एंड पे इसकी एंडिंग पैरेंथेसिस डालनी है, तो अब ये हम इसकी टाइप चेक करा देगा। ठीक है, तो ये हमारी क्लास कौन सी आ रही है, एसटीआर। क्यों, एसटीआर के फंक्शन के अंदर हमने ये नंबर डाल दिया जो कि हमारे फ्लोटिंग पॉइंट था, तो अब वो फ्लोटिंग से एसटीआर हो गया। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे नम था जो होल नंबर था उसको हमने एसटीआर में चेंज किया, फिर उसके बाद हमने उसको फ्लोट में चेंज किया, और यहाँ पे हमने इसको दोबारा अपने जहाँ टाइप चेक भी कर लिए साथ ही, और एसटीआर में हमने नम को चेंज किया हुआ, तो क्लास एसटीआर हमारे पास आ रही है। ठीक है, इसी तरह से यानी अगर आपने किसी चीज को स्ट्रिंग बनाना है ना, बहुत ईजी करके बताओ, स्ट्रिंग के अंदर उस वेरिएबल को पास कर दें या उस वैल्यू को पास कर दें, फ्लोट बनाना है फ्लोट के फंक्शन के अंदर उसको पास कर दें, यानी इसी नाम का जिसमें कन्वर्ट होना होता है। ठीक है, जिसको कन्वर्ट होना नहीं, जिसमें कन्वर्ट होना, यहाँ पे नंबर को एसटीआर में कन्वर्ट करना है तो एसटीआर के फंक्शन में डाल देंगे, फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो फ्लोट के फंक्शन में डाल देंगे, अगर एसटीआर में डालना है तो एसटीआर के अंदर उसको डाल देंगे। ठीक है, जिसमें कन्वर्ट करना है जो रिक्वायर्ड है आपका उसके फंक्शन, उस नाम से जो फंक्शन बना हो उसके अंदर आप डाल दें तो वो वही डाटा टाइप बन जाएगी। ठीक है, जिस फंक्शन के अंदर आपने डाला है। अच्छा, अब एक चीज और कि जब आप स्ट्रिंग्स पे काम कर रहे होंगे ना, एक और आपको एरर समटाइम फेस करना पड़ेगा, मैं चाहूंगी वो आपको क्लियर कर दूं। जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट वन लिखा हुआ है ना, मैंने लिखा हुआ है इट्स नॉट फेयर। ठीक है, यहाँ पे कोई भी सेंटेंस हो सकता है, क्वेश्चन इज दिस कि यहाँ पे अब सिंगल कोट यूज हुए, ये पहला सिंगल कोट है और ये दूसरा सिंगल कोट है। ठीक है, अब हमारी इंटेंशन ये थी कि हमने इट्स लिखना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए हमें एक एरर मैसेज मिल रहा है, और वो क्या कहे, एरर मैसेज को रीड, स्टेटमेंट मस्ट बी सेपरेटेड बाय न्यू लाइंस और सेमीकॉलंस। वो कहता है कि भाई अब वो उसके साथ मामला होता क्या हो रहा है, अब जब इसको चेक किया जा रहा है ना, तो वो कहता है कि जी सिंगल कोट यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, बाकी ऐसा ही हो रहा है। तो अब हमारा मकसद तो ये था कि हम एस से पहले ये एपोस्ट्रॉफी यूज करना चाह रहे थे ना, कि तौर पे हम चाह रहे थे कि ये यहाँ से हमारी स्ट्रिंग शुरू हो रही है, जहाँ पे खत्म हो रही है, हमारी इंटेंशन ये थी। लेकिन हमने यहाँ पे जो है ये यूज करना था कॉमा, तो अब अगर हम, और बहुत सारे केसेस में हमें यूज करना भी होता है, तो अब उसके लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए हमारे पास आता है जनाब एस्केप सीक्वेंस, हम यूज कर सकते हैं। और एस्केप सीक्वेंस क्या होता है और कैसे यूज होता है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे पहले मेंशन कर दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किसके बारे में, एस्केप करेक्टर भी कहते हैं उसको, एस्केप सीक्वेंस सारे लैंग्वेजेस में ये होता है। जस्ट इस तरह से करते हैं हम कि ये जो है ना, हम यहाँ पे बैकटिक यूज कर लेते हैं, कि हम ये बताना चाहते हैं कि भाई इसको स्ट्रिंग के तौर पे नहीं लेना, ये आपकी यहाँ हमारी स्ट्रिंग एंड नहीं हो रही है, इसको तुम्हें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, तुम्हें जस्ट इसको इग्नोर मार देना, यानी हम ये चाह रहे हैं कि ये हमारी स्लैश के बाद ये वाला ना, इसको इग्नोर कर दो इसका ये, यानी आप मेरे से पूछ सकते हैं कि आपके कहने का ये मतलब है कि अगर इस तरह से बैक स्लैश डाली जाएगी तो उसके बाद जो कुछ भी हम लिखेंगे वो उसको इग्नोर कर देगा। जी, उसके बाद उसको जो लिखेंगे वो या इग्नोर कर देगा, या उसके बाद कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हम डालेंगे तो वो उसको उस तरह से जो है टैकल करेगा। कैसे इसका बात तो क्या मतलब हुआ, यानी अगर तो हमने इससे पहले डाला हुआ है तो इसने जस्ट इसको इग्नोर करना है, इसको पता चल गया कि यहाँ से स्ट्रिंग शुरू हो रही है और यहाँ पे कोट यानी स्टार्ट और एंड है, तो इसके बीच में सारी स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इसको एज इट इज प्रिंट करा दो। ठीक है, ये इसको कर देगा, आप देख लें कोई हमारे पास एरर नहीं आ रहा, और अगर आप चाहें तो इसको प्रिंट करा के भी देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए नहीं कर रही थी, लेकिन चले इसको कर देते हैं कि अगर हम इसके अंदर टेक्स्ट वन लिखते हैं और इसको प्रिंट करा के देखते हैं, ये हमारे पास इट्स नॉट फेयर बिल्कुल सही जो हम चाह रहे थे ना इस तरह से, तो वो नजर आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि स्केप सीक्वेंस और कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, और इस तरह से यूज हो सकता है, सपोज मैं चाह रही हूँ कि इट के बाद में न्यू लाइन पे चला जाए। ठीक है, तो अगर मैं बैक स्लैश और एंड डाल दूंगी ना, तो अब क्या होगा कि ये के बाद न्यू लाइन पे, ये देखिए न्यू लाइन पे चला गया। ठीक है, इसके अलावा एक हम टैब के लिए भी दे सकते हैं, बैक स्लैश और टी डालें तो क्या होगा, एक टैब जो है का डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पे, इसको देखते हैं। अब देखिए एक टैब का ये यहाँ पे डिस्टेंस आ चुका है, और ये यहाँ पे लिखा हुआ वापस एट के बाद यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है। ठीक है, उसके एप सीक्वेंस इस तरह के करेक्टर्स हैं, और भी बहुत सारे हैं, इसकी डिटेल्स अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। तो ज्यादातर यही यूज होते हैं कि हम जो है ना एन करके न्यू लाइन पे जाते हैं, या टैब के लिए स्लैश टी देते हैं, या फिर हम इस तरह से अपने जो है कोड्स को, जहाँ पे हमारी इंटेंशन होती है कि हम कुछ कोड्स जो है उसको एंडिंग वाला कोड ना समझे, तो इस तरह से हम बैक स्लैश वहां पे डाल देते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं।
और एक और पाइथन 2 का बेसिकली ये फीचर था, लेकिन 3 में भी यूज होता है, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग हम उसको कहते हैं। समटाइम्स हमें ये होता है कि हमने अपनी स्ट्रिंग के बीच में ना वेरिएबल्स को भी यूज करना होता है, तो अब उसके लिए क्या होगा, जैसे जावास्क्रिप्ट वगैरह में हम यूज करते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, और इसके अलावा स्ट्रिंग लिटरल्स के नाम से भी आपने यूज किया होगा, उसको स्ट्रिंग लिटरल भी कहते हैं, जहाँ पर डॉलर साइन के साथ हम को जो है टैकल कर रहे होते हैं, बैकटिक देते हैं स्टार्ट और एंड में, और बीच में हम डॉलर साइन के साथ वेरिएबल्स को दे देते हैं। तो पाइथन में ये काम कैसे किया जाएगा, पाइथन में हमारे पास अगर एक स्ट्रिंग है जैसे हेलो माई नेम इज, उसके बाद मैं नेम का वेरिएबल एंड आई एम और एज का वेरिएबल है, क्या ये स्ट्रिंग है पूरी, और उसके बीच में दो वेरिएबल्स है। तो इसके लिए सिंपल इस अगर आप स्ट्रिंग से पहले एफ डाल दें, ठीक है, उसके बाद अपना डाल दें, और यहाँ पे आपने ब्रेसिस के अंदर वेरिएबल डालें, ठीक है, तो क्या होगा कि ये इसको एज फॉर्मेटेड स्ट्रिंग मिलेगा और नेम को रिप्लेस कर देगा वेरिएबल की वैल्यूज के साथ, नेम के अंदर जो है यहाँ फोजिया आ जाएगा और एज के अंदर 20 आ जाएगा, और इस तरह से ये किया गया हमने सिंपल ये एफ का यहाँ पे डाला, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारा ये काम करेगा कि इसको फॉर्मेटेड कर देगा स्ट्रिंग। अच्छा, एक और तरीका भी है, उसमें हम क्या करते हैं, उसके में हम शुरू में एफ नहीं डालते बल्कि फॉर्मेट का फंक्शन एक बना हुआ आता है उसको यूज करते हैं। अब उसका यूज कैसे किया जाता है, हम कहते हैं प्रिंट हेलो माई नेम इज, खाली ब्रेसेस डाल दी यहाँ पे, एंड आई एम खाली ब्रेसेस डाल दी एज के लिए, यानी और ये अब कैसे पता चलेगा कि ये ब्रेसेस किस वेरिएबल के लिए, ये किसके लिए, तो एंड पर डॉट फॉर्मेट का फंक्शन होगा, जहाँ पे नेम है पहला, तो पहले ब्रेसेस के अंदर नेम आ जाएगा, दूसरे के अंदर एज आ जाएगा, और इस तरीके से एज इट इज हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, समटाइम्स आप ये चाहते हैं कि आपने यहाँ पे डाल दिए थे, अब यहाँ पे तो हमारे छोटे से है ना, हमने दो ही डाल दिए, वे भी हमारे पास ढेर सारे वेरिएबल्स, उनमें से कुछ पर्टिकुलर किसी वेरिएबल को चाह रहे हैं कि नहीं ये पहले नंबर पे आए, ये दूसरे पे आए, ये तीसरे पे आए, हम कुछ इस तरीके से उसको टैकल करना चाह रहे हैं यहीं पे, हम यहाँ से चेंज नहीं करना चाह रहे, हम ये नहीं देखना चाह रहे कौन किस पे, बस हम कह रहे हैं कि हाँ फर्स्ट पे ही आएगा सेकंड में, तो उसके लिए सिंपल यही है, डॉट फॉर्मेट का फंक्शन ही होगा, लेकिन हम वन के अंदर जो है और वन और जीरो हमने ये कर दिया नॉर्मली, यह ठीक है, तो क्या होगा कि ये चेंज कर देगा इसको, ये आप जिस हिसाब से भी 1 2 3 4 करके जिस तरह से नंबर देगा, आपने 4 पहले दे दिया तो यहाँ पे आपका जो फोर्थ होगा उसको पहले कर देगा, ठीक है, और अगर आपने जो है यहाँ इन केस में हमारा नेम और एज था, तो अब ये एज को इधर कर देगा, नेम को इधर कर देगा, ठीक है, जीरो इंडेक्स पे ये जो है नॉर्मली इसमें लेना था 0 और 1 करके, तो अब ये 1 और 0 इस तरीके से इसको टैकल करेगा। एक और तरीका भी हो सकता है, अगर हम इसको और भी क्लैरिफाई करना चाहते हैं, तो हम अपने किसी अल्फाबेट के थ्रू अगर हमें कोई की देना चाह रहे हैं कि अल्फाबेट के थ्रू उसको टैकल करना चाह रहे हैं, तो हम नेम को पास कर देंगे उस अल्फाबेट के अंदर, जैसे एन के अंदर यहाँ पास कर दिए कि ये हमारा नेम है, और एज के लिए हमने ए लिख दिया कि ये हमारा एज, और ये हमारी रीडेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, हमें अपनी एप्लीकेशन में पता होता है कि कौन सा वेरिएबल किस तरह से, उससे अकॉर्डिंग हम नाम या कुछ भी डाल सकते हैं, तो यहाँ पे जो असाइन कर देंगे जिसमें, तो हम उसको सिंपल यहाँ पे पास कर देंगे, हमने नेम को असाइन कर दिया एन को, तो यहाँ पे हम एन पास कर देंगे, एज को असाइन कर दिया ए को, तो यहाँ पे ए पास कर दिए। तो ये 3-4 तरीके होते हैं, आई होप ये इजी होगा, मैं इसको ट्विटर पे पुश कर दूंगी और आप इसके ऊपर और प्रैक्टिस करेंगे तो और भी आपको क्लैरिटी आएगी। अब बात करते हैं स्ट्रिंग इंडेक्सिंग की, जो बहुत ही पावरफुल फीचर है। इंडेक्सिंग से मेरी मुराद क्या है, इंडेक्सिंग से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम कोई स्ट्रिंग लिखते हैं, जैसे ये फोजिया लिखा हुआ है, तो इसके एफ जो होता है वो 0 इंडेक्स पे होगा, फिर 1 इंडेक्स पे जो है ओ होगा, जेड अगले इंडेक्स पे होगा, इस तरीके से इसकी इंडेक्सिंग हुई होती है। यानी जितने हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, 5 है, ठीक है, तो 4 तक, ठीक है, 0 1 2 3 4 इस तरीके से ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहे होंगे, कहने का मकसद ये है, ठीक है। यहाँ पे हैश डाल देती हूँ ताकि इसको आराम आ जाए और ये हमें एरर ना दे, ठीक है। तो यानी स्ट्रिंग्स हमारी मेमोरी में किस तरह से स्टोर होंगी, ऐसा नहीं होगा कि ये किसी एक मेमोरी लोकेशन पे होगा, बल्कि ऐसा होगा हमारा एफ जो होगा वो 0 पे होगा, ओ जो होगा 1 पे होगा, जेड 2 पे, आई 3 पे, एंड ए उसके बाद 4 पे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे इससे क्या लेना देना अगर ऐसा होगा, नो माई डियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिंग का इंडेक्सिंग होना एक इस तरह की उसकी कैपेबिलिटी है कि आप सोच भी नहीं सकते कि इसके हमें क्या क्या फायदे हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अगर छोटा सा इसका क्लेम्स दूँ ना, तो क्या है कि इस इंडेक्सिंग की वजह से ये है कि हमारा अगर अपनी एप्लीकेशन में हमने
बहुत दफा ऐप यूज हुए ना, तो ये एक ही मेमोरी लोकेशन के ऊपर स्टोर होगा, ठीक है। वो अगर है बहुत जगह, थाउजेंड बिलियन ट्रिलियंस ऑफ टाइम भी अगर यूज हुआ ना, वो एक ही मेमोरी लोकेशन पे सेव होगा। और इसी तरीके से जेड आई है जो भी, यानी एक अल्फाबेट अगर मेरी एप्लीकेशन में यूज हुआ है, हजार दफा यूज हुआ है ना, तो वो अल्फाबेट किसी एक मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा। ऐसा नहीं होगा कि हर कहीं वेरिएबल में यूज हो रहा है या स्ट्रिंग में यूज हो रहा है, कहीं पे भी यूज हो रहा है, तो हर दफा न्यू मेमोरी लोकेशन पे बिल्कुल नहीं जाएगा। एक फायदा, ठीक है, कि हमारी मेमोरी बच रही है। जाहिर है अगर मेमोरी में स्टोरिंग कम जगहों पे है तो एक्सेस करना भी इजी और फास्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तीसरी चीज, हमें पता है कि जब कोई चीज इंडेक्स पे पड़ी होती है तो उसकी हम स्लाइसिंग बहुत इजीली कर सकते हैं। यानी मैं चाहूँ तो इसमें से अगर मुझे एफ चाहिए तो जीरो इंडेक्स कह के, नेम ऑफ जीरो इंडेक्स करके एफ ले सकती हूँ, ओ ले सकती हूँ, कुछ भी ले सकती हूँ, तोड़ के बीच में से कुछ ले सकती हूँ, जोड़ के कुछ ले सकती हूँ। और बहुत, हाँ, आपको, आपका क्या ख्याल है कि, चले पहले मैं आपको चेक कराती हूँ, ठीक है। अब मैं कहती हूँ नेम ऑफ जीरो, यानी जीरो इंडेक्स पे प्रिंट करा दो मुझे कि क्या है। तो आपके ख्याल में क्या होगा, जीरो इंडेक्स हमारा एफ है तो हमें एफ मिलना चाहिए, और ये देख ले हमारे पास एफ मिल गया है। अच्छा, अब ना एक और भी काम करती हूँ मैं, ऐसा करती हूँ कि यहाँ पे ना आपको फिजिकल एड्रेस भी इसका ना प्रिंट करा के ये काम भी देख लेते हैं। जो मैं यहाँ पे क्लेम मैंने क्या किया था कि मेरा एफ जो होगा ना वो एक ही मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा। अगर मैंने बहुत दफा भी एफ यूज किया हुआ है तो भी वो एक ही मेमोरी लोकेशन पे होगा। मैं ऐसा करती हूँ एक एफ यहाँ पे और डाल देती हूँ, ठीक है। तो एक हमारा जीरो इंडेक्स पे एफ है, ठीक है, और एक हमारा कौन से इंडेक्स पे है, जीरो वन टू थ्री फोर और फाइव पे इंडेक्स पे, ठीक है। तो इसको कंट्रोल सी या कंट्रोल वी करते हैं और इसकी इंडेक्सिंग चेंज करते हैं और हम देखते हैं कि ये दोनों कौन सी मेमोरी लोकेशन पे सेव है यहाँ पे, ठीक है। आप ये देखिए दोनों का एड्रेस सेम है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है ना कि क्या मैं भी सारे का सारा फोर्स गया है, ये पूरा है किसी एक मेमोरी लोकेशन पे ही सेव होगा, तो नो माय डियर, मैं ऐसा करती हूँ कि आपको ये वन वाला भी यहाँ पे दिखा देती हूँ कि वन पे हमारे पास ओ है, तो ओ कहाँ पे स्टोर है, ठीक है। एफ है जहाँ पे हमने देखे ना दोनों का, जीरो और फाइव, ये दोनों में एफ है, तो मैंने दिखाया कि एक ही मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है। लेकिन अब अगर मैं वन को करती हूँ, जो कि हमारे केस में वन का है, ओ है, तो देखते हैं कि ये सेम पे है। ये देखिए ये 5 6, ये इसके मेमोरी एड्रेस और है और एफ दोनों सेम पे है। तो आपने नोट किया कभी कि हम जेसन फॉर्मेट में ही क्यों ज्यादा डेटा को प्रेफर किया जाता है कि जेसन फॉर्मेट में यूज किया जाए, उसकी रीजन यही है कि स्ट्रिंग्स को मेमोरी के हिसाब से जो है हमारी बहुत कम मेमोरी लेते हैं और उसको एक्सेस करना इजी है, फास्ट है, ज्यादा रिलायबल। आप इमेजिन आप कर सकते होंगे कि अगर हमारे पास ये एप्लीकेशन है और ये इतने अल्फाबेट उसके अंदर है तो हमें कितनी थोड़ी सी मेमोरी पे ऊपर जो आएगा और देखें कितना फास्ट एक्सेस होता है, ठीक है। तो डिक्शनरी टाइप के डाटा टाइप पे स्टोर होता है ये, और इसका इसी तरीके से इसको स्टोर किया जाता है कि सेम मेमोरी लोकेशन पे वो वाली स्ट्रिंग को भी, ठीक है। अब इसके बाद बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब हमने ऊपर इंडेक्सिंग तो देख ली थी कि किस तरह से है, अब थोड़ी सी और इसकी डिटेल देखते हैं। और डिटेल में हम ये देखते हैं कि अगर इसमें से हमें कुछ पोर्शन चाहिए, जैसे फोजिया में से ना अगर आपको ज्या चाहिए तो उसका क्या तरीका होगा, हम इसको साथ के साथ प्रिंट भी करा देते हैं, ठीक है। और हम कहते हैं कि वन और उसके बाद कॉलन और थ्री, ये जो फर्स्ट वन होता है कॉलन से पहले ये होता है हमारा स्टार्ट, और उसके बाद जो है अगला क्या होता है, ये हमारे पास थ्री जो है हमारा लास्ट वाला इंडेक्स होता है। लेकिन इस ये लास्ट थ्री ये हमारा इंक्लूडेड नहीं होता, ये एक्सक्लूसिव होता है। यानी आप ये कह सकते हैं थ्री माइनस वन यानी टू, यानी ये यहाँ पे ये हमें कहाँ कहाँ पे देगा, जीरो वन और टू। अगर हम चाह रहे हैं कि टू से स्टार्ट हो, ठीक है, हमें ज्यादा चाहिए ना, तो हम कहेंगे टू से स्टार्ट हो और जीरो वन टू थ्री फोर, तो फोर तक ये हमारे पास, फाइव तक ये यहाँ पे जा रहा है, टोटल फाइव है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे कि एक बढ़ा के कहेंगे कि सिक्स तक, ठीक है। तो यानी यहाँ पे लास्ट जब हमें फाइव चाहिए तो हम सिक्स मेंशन करेंगे, क्यों, ये सिक्स जो है ये एक्सक्लूसिव, तो ये सिक्स माइनस वन यानी फाइव ये हमें इस तरह देगा, हमारे पास ज्यादा आ गया, ठीक है। तो स्टार्ट हमारा कहां से, ये पहला कॉलन से पहले क्या होगा हमारा स्टार्ट, कॉलन के बाद होगा हमारा एंड, ठीक है। अगर हमें पूरा चाहिए और हम ये यू लिख देते हैं
कि टू कॉलन और उसके बाद हमने अगर कुछ भी नहीं लिखा तो क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट वो एंड तक वो पूरी स्ट्रिंग को लेगा, यानी ये कहां से शुरू करेगा, जेड से शुरू करेगा और खुद ही अगले वाले जितने भी होंगे ना, जैसे सपोज हम और भी मैं डाल देती हूँ, ठीक है, तो ये सारे के सारे खुद ही से हमें प्रिंट डालेगा, देखते हैं, ठीक है, ये देखिए सारे आगे स्टार्ट क्या से वो टू से किए और उसके बाद, और अगर हम ये सारे चाहिए और हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं ना मेंशन किया, ठीक है, बीच में सिर्फ एक कॉलन दे दिए, तो बाय डिफॉल्ट ये कहेगा कि स्टार्ट जीरो से और एंड तक, तो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग हमें एज इट इज प्रिंट कर देगा, ये देखिए, ठीक है, आई होप समझ आ गई होगी। और ये कॉलन का स्टार्ट, यानी कॉलन से पहले स्टार्ट है, कॉलन के बाद एंड है, अगर हम देते हैं तो वेल एंड गुड, हमें वहां से मिलेगा, अगर हम नहीं भी देते तो क्या होगा कि वो बाय डिफॉल्ट यहाँ से स्टार्ट और यहाँ से एंड लेगा, हमने सिर्फ एक कॉलन भी डाल दिया तो, ठीक है, एक चीज होगी ये स्टार्ट ये एंड, और एक कॉलन अगर हम और डाल देते हैं, ठीक है, ये एक कॉलन और डाल देते हैं। अब इस कॉलन में क्या होता है, इस कॉलन में ये होता है कि सीक्वेंस मुझे कौन सा चाहिए, ठीक है, यानी यहाँ पे वन वन की सीक्वेंस ही आ रहा है ना, जीरो वन टू थ्री फोर इस तरह से चल रहा है, बाय डिफॉल्ट वन वन ही चल रहा होता है, ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहती हूँ यहाँ ना मुझे प्रिंट कराना है कुछ और मुझे टू टू के सीक्वेंस से चाहिए, यानी इसमें डिस्टेंस टू टू का आए, तो फिर हम अपना वो सीक्वेंस दे देते हैं यहाँ पे, तो जैसे टू, अब ये देखिए एफ जेड ए आर क्यू, एफ ओ के बाद ओ इसने जो है छोड़ के एफ के बाद ये जेड पे आया, फिर आई इसने छोड़ा है ए पे आया, फिर उसने जो ई को छोड़ा है आर पे आया, ठीक है, इस तरीके से दो दो के जंप करके ना नेक्स्ट पे जा रहे हैं, तो इस तरीके से हम जंप करा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका यूज केस क्या है, तो वेब स्क्रैपिंग से अगर आप वाकिफ हों तो वेब स्क्रैपिंग हम इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, स्लाइसिंग हमारे वहां पे बहुत ज्यादा काम होती है, वैसे भी स्ट्रिंग स्लाइसिंग बहुत यूजफुल है, हम जैसे जैसे आगे जाएंगे और हम मिनी प्रोजेक्ट्स भी करेंगे इसके ऊपर, फिर उसके बाद बड़े प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, तो आप देखिएगा कि ये चीज आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है, इसके ऊपर खूब प्रैक्टिस करें। अब एक चीज मैं यहाँ पे आपको असाइनमेंट पे तोड़ दे रही हूँ कि अगर हम नेगेटिव नंबर डाल दें तो क्या होगा, तो ये आपने करके देखना है, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन भी कीजिएगा कि आपको नेगेटिव का यूज में क्या चीज समझ आई और क्या नहीं समझ आई है। तो मिलते हैं फिर का, बाय बाय, हाफिज़।